जिस हिसाब से राइडर्स अपनी बाइक को प्रॉपर सर्विस कराते हैं, अच्छे इंजन ऑयल देते हैं अपनी बाइक को तंदुरुस्त रखने के लिए, उसी हिसाब से मुझे लगता है लॉन्ग राइड पे परफेक्ट राइडिंग गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इमेजिन करो, आप लॉन्ग राइड पे हो और आपका अगर मान लो छोटा सा या बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए और आपने राइडिंग गियर्स प्रॉपर नहीं पहने तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको राइडिंग गियर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारा ऑल इंडिया राइड चल रहा था, बीच में हम दिल्ली आ गए थे और अभी वापस से साउथ निकलने का प्लान है, तो थोड़ी सी राइडिंग गियर्स में अपग्रेडेशन और अपडेशन का रिक्वायरमेंट है। तो मैं अभी आ गया हूँ गुप्ता बाइकिंग गियर्स। तो आज के इस वीडियो में राइडिंग गियर्स ए टू जेड फ्रॉम हेड टू टो मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस जे व्लॉग। हमारे साथ हैं उत्कर्ष भाई फ्रॉम गुप्ता बाइकिंग गियर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वेलकम टू एसजे व्लॉग्स। थैंक यू। तो अगर आपको आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैं यहां से लेकर गया था राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग पैंट और ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ लेकर जाता रहता हूं। इंटरकॉम भी ले गया था, तो यहाँ पे मेरा आना जाना लगा रहा था। मैंने सोचा एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसमें मुझे उत्कर्ष भाई हेल्प करने वाले। सबसे पहले, जैसे एक उत्कर्ष भाई राइडर है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बचाना है हमें अपने सर को। आप नॉर्मल राइड भी कर रहे हो तो आपको हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट चीज़ जो हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में तो वो है हमारा हेलमेट। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो बहुत ही सारे कलरफुल हेलमेट्स लगे हुए हैं। कौन कौन से ब्रांड के भैया? तो बहुत, जो हमारी सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है रेंज वो हमारी स्टड स्टील बर्ड SMK, मतलब ये वाली रेंज से हम स्टार्ट करते हैं। स्टड स्टील बर्ड और वेगा में हमारे पास लगभग आप मान के चले 1500 से 2000 में बहुत अच्छा हेलमेट आ जाता है, जो कि दिखने में भी अच्छा है। डॉट सर्टिफिकेशन भी अब आ गई है 1600-1700 वाले प्राइस रेंज में। उसके ऊपर फिर अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स में बेसिक रेंज आ जाती है, जैसे हमारा SMK हो गया, एक्सोर हो गया, MT हो गया। तो ऑलमोस्ट इन सब में 4000 के आसपास की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हर किसी में जो रेंज जाती है वो 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक चली जाती है। ठीक है, लेकिन भैया ने एक ऐड किया है, एक प्रीमियम ब्रांड, उसका नाम है भैया वो हमारा एक बेल और एक एरो। एरो, तो इन दोनों ब्रांड भी अभी, ये दोनों ब्रांड भी अभी गुप्ता बाइकिंग गियर्स में अवेलेबल है। तो चलो कुछ कुछ हेलमेट्स देखते हैं। भैया थोड़ा SMK का रेंज बताओ, ये सारे नए मॉडल्स हैं जी? अब सबसे पहले हम जैसे स्टार्ट करते हैं, अभी इसमें कुछ नए मॉडल्स आए हैं। एक ये मॉडल बहुत पुराना है स्टेलर SMK का, तो ये SMK का स्टेलर मॉडल है। अभी इसका थोड़ा प्राइस रेंज रिवीजन हुआ है तो ये 4800 इसकी MRP हो गई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे साइजेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अभी, जैसे एक ये वाला मॉडल है जो अभी SMK ने बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च किया है, ये है SMK का टाइफून। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो डबल वाइजर आपको इसमें साथ में मिलता है, एंटीफॉग आपको इसमें साथ में मिलता है, वेंट आपको इसमें सारे मिलेंगे टॉप पे फ्रंट पे, पैडिंग आपको सारी इसमें रिमूवेबल मिलेगी, थोड़ा सा प्रीमियम फिनिश इसमें दे दी गई है पैडिंग की। MRP इसकी जो है सिर्फ 5150 है, 5150 MRP है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जितने डिज़ाइन है ऑलमोस्ट 20 से 30 डिजाइन इसमें होंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे साइज में। ये था MRP, इस पे थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। एक हेलमेट जो मैंने अभी घुसते ही बोला कि भैया ये कौन सा हेलमेट है, ये बहुत ही ऐसा डिफरेंट और मुझे लगता है अभी तक मैंने ये हेलमेट कभी नहीं देखा था जी। तो ये वाला SMK एक्चुअली क्या है, यूरोपियन इनकी सर्टिफिकेशन होते हैं, ECE सर्टिफिकेशन इनकी होती थी। तो ये क्या करते थे, ज़्यादातर यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। अभी इन्होंने क्या है, ये वाला मॉडल SMK का इधर भी इन्होंने लॉन्च किया है, ये SMK का रेट्रो करके मॉडल है। इसकी जो MRP है 6000 रुपये इसकी MRP है। इसमें आपको ग्राफिक कलर्स और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें भी आपको जो मिलेगा आपको इसमें पिनलॉक इसमें साथ में मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद SMK में एक इनका जो पहले मॉडल आता था, एक ट्विस्टर मॉडल आता था, एक फिर मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। एक ये मॉड्यूलर में हमारा SMK गल्विंग, तो ये मॉड्यूलर में SMK का आता है। इस वक्त अगर हम देखेंगे मार्केट में 6 से 10 हज़ार तक भी जो रेंज है हमारी, तो उसमें जो मॉड्यूलर हेलमेट्स आते हैं उसमें SMK सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है। एक SMK ही है जो ये मॉड्यूलर बनाता है।
तो इसमें भी आपको वो डुअल वाइजर सर्टिफिकेशन ईसी, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। एक इसमें ग्लाइड मॉडल भी आता है जो पहले आता था, अब इन्होंने लेटेस्ट ये थोड़ा गल्विंग इन्होंने और बेटर लुकिंग हेलमेट निकाल दिया है। तो जैसे ये तो था हमारा SMK का, SMK के अलावा भी काफ़ी सारे मैंने इधर मॉडल लगा रखे हैं। जैसे एक एक्सेस है, 3000 तक की रेंज में बहुत अच्छा मॉडल है एक्सेस का। फिर इसके बाद ये पहले एस्पीडा का आता है, ये एस्पीडा का मॉड्यूलर, ये निक्को के हमारे मॉड्यूलर मिल जाएंगे 6000 के आसपास, ये है ये भी 6000। फिर मॉड्यूलर में एक ये आती है सीरीज, ये LS2 की है, तो इसमें भी बहुत सारे ग्राफिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये लगभग 10,000 रुपए की इसकी सीरीज है, इसमें अगर ग्राफिक लेंगे 12,000 के आसपास इसकी MRP आएगी, ठीक है। फिर एक यही सेम FF902 करके ग्राफिक आता है LS2 का, इसकी जो प्राइस है वो 10-11,000 के आसपास इसकी आती है। इसमें भी आपको डुअल वाइजर और सारी सर्टिफिकेशन आपको इसमें साथ में मिलती हैं, ठीक है। फिर अगर हम जैसे SMK की ये 4-5,000 की सीरीज है, इसमें हम दिखा देते हैं, जैसे ये एग्जोर का लग रहा है, ये एग्जोर का वेनमनस मॉडल है, इसमें कम से कम 20-40 ग्राफिक्स इसमें आते हैं, 20-30 ग्राफिक्स वेनम मॉडल में। वेनम मॉडल में 5 ग्राफिक्स आते हैं, और टोटल अगर इस वाली सीरीज में आप बोलोगे एपेक्स सीरीज बोलते हैं हम इसे, इसमें कम से कम 20-25 ग्राफिक्स। और यही एपेक्स मैं भी यूज कर रहा हूँ। हाँ, यही आप यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो MRP है वो है 4994। .ECISI सर्टिफिकेशन, तीनों, डबल वाइजर, पैडिंग रिमूवेबल, ब्लूटूथ पॉकेट, पिनलॉक 30, सब कुछ इसमें आपको साथ में मिलता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा जैसे MT की सीरीज पे, तो ये है हमारा MT का स्टिंगर मॉडल, ये MT का स्टिंगर है, 5250 MRP है इसकी। तो इसमें आपको MT के किसी भी मॉडल में आपको एंटीफॉक साथ में नहीं मिलता, पिनलॉक रेडी आपको मिलेगा बट एंटीफॉक आपको साथ में नहीं मिलेगा। एक MT ने भी थोड़े टाइम पहले ये हाफ फेस भी निकाला था। इसका जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैकेनिज्म वाइजर निकालने का इधर साइड में से है। अच्छा, तो ये 3950 इसकी MRP है, ठीक है। ये भी अच्छा है मॉडल। अगर आपको अभी इन्होंने नया निकाला है ये MT का हमर, 5250 इसकी MRP है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें पीछे इसमें स्पॉइलर दिया हुआ है, इसकी जो MRP है वो है 5250। पैडिंग इसकी रिमूवेबल है, ब्लूटूथ पॉकेट, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। फिर अब आते हैं जैसे हम अपने LS2 पे आ जाते हैं, एक MT ने अच्छे ये भी बहुत अच्छा मॉडल निकाला है, ये टार्गो वर्जन 2.0 अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें भी पीछे स्पॉइलर इन्होंने दे रखा है, बहुत ही अच्छा लुक है। पैडिंग भी इसमें दो आपको कलर्स में आपको मिलती है, इसकी जो MRP है वो लगभग 8,000। मुझे थोड़ा लालच हो रहा है। फिर एक ये वाला आपको मॉडल है, ये है अपना MT का Blade 2, ये इनकी सबसे हाई एंड आती है, इससे भी ऊपर आते हैं बट वो थोड़े अवेलेबिलिटी कम रहती है। इसकी जो MRP है वो है 9550। ओके, डुअल वाइजर, सब कुछ आपको मिलेगा, पैडिंग रिमूवेबल। इसकी अच्छी बात यह है कि इसका जो वाइजर है वो लॉक हो जाता है, तो इसका वाइजर आप बटन प्रेस करेंगे तो ही ओपन होगा। थोड़ा एरोडायनेमिक फीचर है, पीछे इन्होंने ये स्पॉइलर टाइप दे रखा है। कलर स्कीम्स बहुत अच्छी हैं इसमें, कलर्स और इसमें ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू, बहुत सारे कलर्स इसमें मिल जाते हैं। 9550 MRP। ये तो थे जितने भी हेलमेट्स, ये अंडर 10,000 थे, अंडर 10,000। और एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मोटो क्रॉस में बहुत कम कंपनीज हैं जो बनाती हैं जो 10,000 की रेंज में। एक जैसे LS2 है, इसमें आपको एक तो ये वाइजर वाला मिल जाता है, इसमें आपको डबल वाइजर मिलता है, तो ये लगभग 9,000 रुपये इसकी MRP है। तो इसमें ही बहुत सारी कलर स्कीम्स हैं जो ये बनाती है, ठीक है। एक इसी में ही अगर आप देखना चाहें, एक ये है मोटोक्रॉस, ये ज्यादातर मैं देखता हूँ फॉरेन के जो राइडर्स होते हैं वो यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। तो ये 7-8,000 है, इसमें आपको गॉगल्स नहीं मिलेंगे, आपको गॉगल्स अलग से लगाने पड़ेंगे, इसमें आपको वाइजर नहीं मिलेगा। तो ये 7-8,000 इसकी MRP है। पैडिंग सबकी रिमूवेबल होती है, ब्लूटूथ आप सब में लगा सकते हैं। एक ये बहुत अच्छा मॉडल आया, ये है FF800 मॉडल, डबल वाइजर है, इसके साथ आपको एंटी फॉग भी साथ में मिलता है, पिनलॉक 100 ही IGS दे रहे हैं शायद। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप जहां से देखेंगे ना, इसकी कलर स्कीम ये वाली चेंज होती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर कहीं से आपको वेलवेट लगेगा, कहीं से आपको ग्रे लगेगा, जैसे जैसे आप घुमाते रहेंगे इसकी कलर स्कीम चेंज होती रहेगी। तो ये बहुत अच्छा हेलमेट है, इस वक्त बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो अभी ये जितने भी हेलमेट थे 10-11 मैक्सिमम रेंज के थे। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको इसी रेंज में, एक ही 9500 MRP में, ये हमारी थोड़ी प्रीमियम रेंज आ जाती है, ये है बेल का हेलमेट। तो अगर किसी को फिटिंग बहुत अच्छी चाहिए, दिखने में थोड़ा डिसेंट लुकिंग होता है बेसिक, बट ये है कि इसकी पैडिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इसकी पैडिंग किसी भी हेलमेट से कंपेयर करोगे ना, जो 5-10,000 के बीच में, तो बहुत अच्छी पैडिंग है इसकी, फिनिशिंग अच्छी है इसकी, पैडिंग का निकालने का तरीका इसकी जो प्रीमियमनेस है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी बात के तो पैसे हैं, वरना सब एक जैसे, बिल्कुल। तो इसमें भी हमारे पास काफी कलर्स मिल जाएंगे इसी के साथ। फिर इससे ऊपर जो मैं आपको बोल रहा था एरो, मैं आपको एरो भी दिखा देता हूँ।
तो ये है एरो का वेलर मॉडल, अंकल सैम मैट करके इसका ग्राफिक आता है ये, तो ये मैट कलर में है। इसमें आपको जो मिलेगा, इसमें आपको वाइजर सिंगल ही मिलेगा, बट वाइजर की क्वालिटी अच्छी है, पिनलॉक रेडी है, इजी रिमूवेबल वाइजर है। इसकी पैडिंग बहुत अच्छी है, एंटी फंगल सारी पैडिंग होती है, सर्टिफिकेशन इसकी ईसी और ये सारी सर्टिफिकेशन इसमें होगी, पीछे एरो लिखा होगा। 100% ओरिजिनल चीज़ आपको हमारे पास मिलेगी, और कोई भी चीज़ आपको मिलेगी विद बिल मिलेगी। इसका क्या MRP है? इसकी MRP है 14,500। ठीक है, बाकी इससे ऊपर भी हमारे पास रेंज होती है, अभी वो भी हमारे पास बहुत जल्दी स्टॉक में आने वाले हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। हम नहीं तो MT के हमारे पास रैपिड मॉडल आता है, कैबर्ग का जो एक कार्बन फाइबर मॉडल आता है लगभग 30,000 की रेंज में, वो भी हमारे पास मिल जाता है। जब से ये मैं राइडिंग कर रहा हूँ तब से मेरी एक ही प्रायोरिटी रही है कि हेलमेट के नाम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। बिल्कुल, तो हमेशा अपने सर को बचाना है, सबसे नाजुक और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सर ही होता है। तो हेलमेट तो ये था, हेलमेट से नीचे अगर हम आते हैं तो आ जाता है हमारा जैकेट। तो चलो एक बार आपको जैकेट भी दिखाते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ, और मुझे देख देख के थोड़ा ऐसा हो रहा है कि थोड़ा मैं भी कुछ लेकर ही जाऊँ। तो भैया जैकेट का क्या रेंज हो रहा है, अपने पास कब से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जी, तो अभी जैकेट जो हमारी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है वो लगभग 4,500 से है, क्योंकि हम मतलब आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी चीज़ में, सेफ्टी में बिल्कुल भी नहीं करता, तो इसलिए मैं कोई भी लोकल जैकेट मेरे पास आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, कोई भी जो कॉपी जैकेट होती है और ये सारी जैकेट कुछ नहीं मिलेगी मेरे पास। जो बेसिक स्टार्टिंग कम से कम 4,500 से 5,000 वाली रेंज आती है जो बेसिक स्टार्टिंग है, वो आएंगी हमारी एक्सोर की जैकेट। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, जैसे ये एक्सोर की जैकेट है, लगभग ये वही 4,000-5,000 वाली इसकी रेंज है। सेफटेक के इसमें आर्मर्स हैं, अभी बिल्कुल नई लॉन्च करी है, महीना भी नहीं हुआ है अभी नहीं लॉन्च हुए, तो ये हमारे पास स्टॉक में आ गई है। लेवल 2 के आर्मर से इसमें एक्सोर में आपको रेन लाइनर भी आपको इनमें साथ में मिलता है। तो इसमें दो मॉडल्स हमारे पास आए हैं, एक ये वाला मॉडल है हमारे पास और एक ये वाला मॉडल है। जी दे दो मुझे, एक ये वाला मॉडल है। तो ये दोनों में सेफटेक के आर्मर्स हैं, बहुत ही अच्छे मॉडल हैं, लगभग वही 4,000 से 5,000 इनकी रेंज है जो एक्सोर की बेसिक स्टार्टिंग है। ये तो था एक्सोर, इसके बाद भैया? तो एक्सोर के बाद हम आते हैं, जैसे हमारे पास लोन रेंजर की भी मिल जाएगी लगभग 5,000 से 5,500 में। इसके बाद मैं तो प्रेफरेंस देता हूँ राइनॉक्स। इसकी अभी क्या है, इनके लाइनर अलग अलग हो गए, तो मुझे लगता है शायद एक जैकेट एक अच्छी होनी चाहिए, अगर किसी का 5,000 से 5,500 भी, वो लाइनर थोड़े टाइम बाद ले ले, बट एक जैकेट अच्छी ले ले। तो इसकी जो MRP है वो है 5,750। चार कलर स्कीम्स में आती है, ऑरेंज, रेड, फ्लोरेसेंट, ब्लैक, चारों कलर स्कीम्स में हमारे पास मिल जाएगी। 5XL तक इसमें साइजेस आता है। ठीक है, इसमें सारे रिफ्लेक्टिव्स आपको मिलेंगे, 3M की सारी स्कॉच लाइट है, YKK की इसमें जिपर्स हैं, सेफटेक के लेवल 2 शोल्डर, एल्बो और बैक पे तीनों इसमें आर्मर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर क्वालिटी आप देखेंगे, 600 डाइनर का कपड़ा यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है क्वालिटी। 6 मंथ्स की वारंटी मिलेगी, 50,000 का इंश्योरेंस मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें साथ में मिलता है। क्या बात, हमारे जैकेट में भी कोई इंश्योरेंस था? बिल्कुल था। अच्छा, आपका एक्टिवेट कर रखा है मैंने इंश्योरेंस। अरे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे तो बहुत बार ही दिखाया, बट वो भी दिखाऊंगा कि हमारा जैकेट कौन सा। और मैं पर्सनली रिकमेंड यही करता हूँ कि जैकेट भी आप कभी लेना चाहो तो वही वाला लेना। अगर बजट है, बिल्कुल, आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जैकेट, आप भी और हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो अगर बजट है तो बिल्कुल डेफिनेटली एक अच्छी जैकेट लीजिए। ठीक है, अभी फिर जैसे ये आती है इसके ऊपर ऑलमोस्ट राइनॉक्स में हमारे पास सारा कुछ मिल जाएगा। एक ये बहुत ही अच्छी जैकेट है, बहुत अच्छी दिखती है, ये कलर पैटर्न थोड़ा नया लग रहा है। हाँ, ये टोर्नेडो प्रो 3 आती थी, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है टोर्नेडो प्रो 4। सारे इसमें जितने भी आर्मर्स मिलेंगे आपको, इसमें बैक सेफटेक मिलेगा, बाकी इसमें नॉक्स के आर्मर्स इसमें रहेंगे। इसकी जो MRP है वो है 7,950। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी जैकेट है। अगर और इससे ऊपर अगर आपको रेंज में जाना है तो जो आप बोल रहे थे, एक ये वाली जैकेट इन्होंने लॉन्च करी थी जो कि नॉकटेक्स के साथ है। इसमें अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये सारा इस कलर में स्कीम में आपको दिखेगा, बाकी ये जितने भी ये ब्लैक रीजन है ये सारा आपको रिफ्लेक्टिव है, तो ये रात में सारा रिफ्लेक्ट करेगा। इससे फायदा ये होता है कि बहुत दूर से भी कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि एक राइडर है। तो इसमें आपको जितने भी आर्मर्स मिलेंगे सारे नॉक्स के आर्मर्स आपको इसमें साथ में मिलेंगे, और बैक, शोल्डर, एल्बो सब कुछ। और यही एक क्लॉथी राइनॉक्स की जैकेट है जिसमें आपको स्लाइडर भी स्लाइडर मिलता है। तो इसकी जो MRP है वो लगभग आप 11,750 इसकी MRP है। इसमें एक इससे सस्ती वाली भी आती है जिसकी MRP है 10,750। एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो ऑनलाइन आप लेते हैं राइनॉक्स के वेबसाइट से उससे थोड़ा सस्ता मिल जाता है यहाँ। अब ये कैसे होता है, मैकेनिज्म तो नहीं पता है मुझे। हाँ, ये जैकेट वो जैकेट है जो मैं यूज़ करता हूँ और पर्सनली सबको रिकमेंड भी करता हूँ। तो ये वो जैकेट है जो राइनॉक्स की सबसे हाई एंड जैकेट है, ये है राइनॉक्स की स्टेल्थी वो। तो ये राइनॉक्स की जैकेट में सब कुछ आपको नॉक्स के आर्मर्स मिलेंगे सारे लेवल 2, शोल्डर, एल्बो, बैक। आपको चेस्ट पे भी आर्मर्स मिलेंगे,
इसमें आपको इधर फ्रंट पे चेस्ट पे, एक आपको इधर, इधर भी आपको वेंट मिलेगी, आपको इधर हाथ पे भी वेंट और इधर बैक में भी, और आपको इधर बैक पे भी वेंट मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी जैकेट है। इसमें पीछे आपको एक ये पॉकेट दे रखी है, इसमें आपको एक किडनी बेल्ट भी साथ में मिलती है, ये इधर दे रखी है। तो किडनी बेल्ट का ये होता है आपको स्पाइन सपोर्ट और बेसिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है आपको लॉन्ग राइड्स में। कभी कभी पैंट ढीली है तो वो भी टाइट हो जाती है। इसकी जो MRP है वो है 12,750। तो ये कुछ राइनॉक्स की थी। अभी जैसे ये राइनॉक्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी जैकेट्स मिल जाएंगी, जैसे एक XDI की भी इधर रखी है। ये 6300 की जैकेट है, इसमें आपको रेन लाइनर मिलता है, शोल्डर एल्बो लेवल 2 और इसमें बैक लेवल 1 है। तो इसकी सबसे खास बात ये है कि कभी आप कलर से बोर हो जाएं अपना नाम, तो आप ये ऑक्टेन जैसे लिखा है ये पैच है, आप इसे निकालिए और इसमें कलरफुल पैच 300-400 रुपए के इसके आते हैं, तो बहुत सारे कलर्स में आते हैं, तो वो चिपकाइए। और अच्छा, ये इधर भी है। हाँ, ये आपको साइड में भी मिलेगा XDI, इधर ऑक्टेन भी आपको लिखा अच्छा। हुआ ये चेंज हो जाएगा। क्या बात है। फिर इसके अलावा एक ये बहुत अच्छी जैकेट है जो सोलेस की जैकेट है। इस वक्त इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो MRP एक तो 13,950 रुपये सिर्फ, उसके हिसाब से इसमें जो आर्मर्स दे रखे हैं सारे लेवल 2 सास्टेक के आर्मर्स हैं, इसमें बैक पे भी आर्मर्स हैं। एक जितनी भी टूरिंग जैकेट थी कभी ये प्रॉपर खुलती नहीं थी वेंटिलेशन के हिसाब से, तो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी। अभी इसमें क्या है, ये आप कम्प्लीटली से फोल्ड कर सकते हो बैक को, और ये दोनों आपके जो चेस्ट हैं, ये चेस्ट को दोनों को आप फोल्ड कर सकते हो, पूरा खोल सकते हो और इन्हें फोल्ड करके गर्मी से रोल करके आप लगा सकते हो, सो दैट आपकी वेंटिलेशन में इशू ना हो। फिर इसके साथ साथ इसमें आपको ये इधर रेन लाइनर भी दे रखा है, रेन लाइनर भी आपको इसमें साथ में मिलेगा। रेन लाइनर के साथ साथ आपको इसमें विंटर लाइनर भी इसमें साथ में मिलेगा। तो ओवरऑल 12,750 के हिसाब, 13,950 के हिसाब से जैकेट बहुत अच्छी है। इसमें आपको ये रिफ्लेक्टिव्स भी मिलते हैं, ये भी कम्प्लीटली रिमूवेबल है, आप निकाल के अलग रख भी सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद। तो इसके अलावा दो ब्रांड और हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक है ये प्लैनेट DSG की DSG जैकेट। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इसकी जो फिटिंग है वो MotoGP जैकेट्स के हिसाब से दे रखी है इन्होंने, और एक इसमें पीछे आपको हम्प मिलता है शोल्डर, और आपको एल्बो पे TPU के स्लाइडर्स मिलते हैं, सारे लेवल 2 आर्मर मिलेंगे इसमें। इसमें आपको विंटर और रेन लाइनर भी मिलेगा। इसकी जो MRP है वो है 10,999। तो 10,999 इसकी MRP है। उस रेंज में बहुत ही अच्छी जैकेट है, बहुत ही अच्छी इस जैकेट की फिटिंग है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर जैकेट है इस वक्त अगर आप मार्केट में देखेंगे। फिर इसके बाद एक ये हमारे पास आया है रैबिट भी हमने ऐड ऑन किया था अभी थोड़े टाइम पहले। तो ये रैबिट की है GT Air 3। तो इसमें जितने भी आपको मैश दे रखा है ये सारा 3D मैश है। आप इसकी मैश और बाकी किसी कंपनी का आप मैश देखेंगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। इसमें जो भी आपको मिलता है, इसमें आपको शोल्डर एल्बो दोनों आर्मर्स मिलते हैं रैबिट कंपनी के ही, और इसमें आपको एक रेड कलर, ऑरेंज कलर, नियॉन कलर, 3 कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत ही लाइट जैकेट है और बहुत कंफर्टेबल है। रैबिट की सबसे खास बात यह है, एक तो ये MotoGP का ब्रांड है, इसके जितने भी हैं अच्छे अच्छे राइडर्स इसकी जैकेट पहनते हैं, और एक इसकी जो फिटिंग है वो आपको नॉर्मली जैकेट से बेटर ही आपको इसमें फिटिंग मिलेगी। इसकी जो MRP है वो है 18,300 रुपये। तो ये एक प्रीमियम रेंज में अगर जैकेट चाहिए तो एक ये रैबिट की बहुत बढ़िया जैकेट है। ये तो था हमारा जैकेट, ये जैकेट। जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया व्हाट्सएप भी है, आप उसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप चीज़ें खरीद सकते हैं। अब जैसे हमारा जैकेट का काम हो गया, अब हमारी बारी है ग्लव्स की। चलो एक बार ग्लव्स देखते हैं। तो जब हम राइड करते हैं तो सबसे पहले अगर हम कभी क्रैश करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो चीज़ डैमेज होता है वो होता है हमारा पाम, ये छिल जाता है, घुटने छिल जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए ग्लव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली ऑन लॉन्ग राइड्स, अगर आप सिटी राइड भी कर रहे हैं तो ग्लव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ मैं आया था भी ग्लव्स लेने के लिए, कौन सा ग्लव्स ले रहा हूँ मैं पहले वही बता देता हूँ। ये है राइनॉक्स का, क्या नाम है, टॉर्नेडो ग्लव्स है। बाकी इसकी MRP क्या है, 3250 MRP है। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ा डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ग्लव्स है तो वो भी एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप देखो ग्लव्स में क्या क्या प्रोटेक्शन आपको मिलती है। ये पूरा नकल गार्ड है, इधर ऊपर भी गार्ड्स मिले पड़े हैं, इधर भी देखो उंगलियों को बचाने के लिए। अगर आप ये पाम में देखोगे तो नॉक्स का, ये इधर भी ये पूरा जो है ये ग्रिप मेंटेन रखने के लिए। और साथ ही साथ अगर ये आप ये उंगली देखोगे
तो ये टच करने के लिए अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में मैप वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो इसके लिए भी ये आपको इधर फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ देखोगे तो भैया कौन कौन से ग्लव्स है ज़रा दिखाओ यार। मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मली जो रेंज हमारी 300 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ जो ज़्यादा बिकते हैं मैंने वो वाले ग्लव्स लगाए हैं, तो बेसिक जो स्टार्टिंग जैसे 1500 से 2000 तक मैं ये दिखा रहा हूँ। ये 1699 के हैं, ये राइडा के हैं अवंतूर ग्लव्स। तो जितने भी हैं सब आपको मिलेगी सबकी वारंटी, जितने भी ये ग्लव्स जितने भी रखे हैं। तो सबसे पहले बेसिक ग्लव्स जो 1500 से 2000 में ये स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे 300 से 1500 में बहुत ग्लव्स रेंज है। फिर आते हैं हमारे राइनॉक्स के 8GT3, बहुत ही फास्ट मूविंग ग्लव्स हैं। ये कंप्लीट लेदर है, बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। इसकी MRP है 2550। तो इसमें अगर आप देखोगे बेसिक ये है, ये चलते ज़्यादा हैं क्योंकि ये लेदर ग्लव्स हैं। तो इसके बाद एक ये ही 2000 के आसपास के 2200 MRP है लोन रेंजर के, रफली ऐसे ही ग्लव्स हैं ये भी, थोड़े लेदर और थोड़े मैश। तो ये वाला ग्लव भी अच्छा है लोन रेंजर का, इसमें भी आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी। एक ये 2900 की MRP में XDI के ग्लव्स आते हैं, छोटी छोटी इधर पैडिंग आपको इसमें जैसे मिल गई थोड़ी पैडिंग बचाने के लिए, और इसमें आपको ये मैश मिलेगा और आपको इसमें लेदर का वर्क मिलेगा, लेदर मिल जाएगी आपको इसमें। फिर इसके बाद अभी राइनॉक्स ने ये वाले ग्लव्स लॉन्च किए थे, राइनॉक्स के ग्रे वाले, इसमें भी 3-4 कलर आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली आप ऑन रोड ऑफ रोड दोनों तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। राइनॉक्स के ग्रे वाले ग्लव्स हैं, बहुत अच्छे ग्लव्स हैं ये वाले भी। फिर अब आते हैं हम थोड़ा सा जो ग्लव्स सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्लव्स हैं, जैसे कि एक ये हमारा राइडा का ग्लव है, इसकी MRP 3250। नॉक्स के इसमें प्रोटेक्टर आपको मिलते हैं, इधर आपको ऊपर भी ये TPU प्रोटेक्टर आपको मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको मैश मिलेगा या फिर आपको लेदर मिलेगा। तो इसकी जो वारंटी रहेगी वो इसकी 1 ईयर की वारंटी है। इसकी जो MRP है वो है 3250। इसमें भी आपको कलर कॉम्बिनेशन रेड, फ्लोरेसेंट, वाइट, काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद एक ग्लव्स जैसे सोलेस का है, ये है सोलेस का राइवल ग्लव्स। तो इसमें भी सेम आपको वही नॉक्स की प्रोटेक्शन मिलेगी, मैश, और इसमें भी आपको लेदर का मिलेगा। इसकी जो MRP है 3350, इसकी वारंटी आएगी 6 मंथ्स। फिर एक ये वाला ग्लव बहुत अच्छा है, ये स्काला का ग्लव है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऊपर ये सास्टेक दे रखा है, तो अभी क्या है जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ये आराम से दब जाएगा, बट जो भी इम्पैक्ट जब इसका होगा तो ये इम्पैक्ट पे ये वाले हार्ड होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, जो कई आर्मर्स में ऐसा होता है कि बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे आर्मर्स, बट आप अगर ये इम्पैक्ट होगा तो ये हार्ड हो जाएगा। इसमें पीछे आपको नॉक्स मिलेगा, इसकी जो MRP है वो है 3900। आपको इसमें जो वारंटी मिलेगी 1 ईयर वारंटी मिलेगी आपको इसमें इसके साथ। फिर इसके बाद कुछ विंटर ग्लव्स भी हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के हैं, एक दो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक ये लोन रेंजर के ग्लव्स है विंटर वाले, इनकी MRP लगभग 3000 रुपये है। इसमें भी आपको वही 6 मंथ्स की वारंटी मिलेगी। ये आपके -5 -10 तक भी काम कर सकते हैं, ये वाले स्नग ग्लव्स बोलते हैं हम इन्हें, जो इनका नाम है। फिर एक अभी ये 2000 की रेंज में ये एग्जॉर ने ग्लव्स निकाले हैं, ये भी हमारे पास आ गए हैं। ये एग्जॉर के ग्लव्स हैं, अच्छे ग्लव्स हैं। अभी इनके रिव्यू पता लगेंगे क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ही नया लॉट आया है और ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट लॉन्च है। फिर फुल गॉन्टलेट में हमारे पास ग्लव्स मिल जाएंगे। फुल गॉन्टलेट में जैसे राइनॉक्स के हमारे पास वायटेरा, राइडा, सोलेस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जियोस के, सबके आपको फुल गॉन्टलेट मिल जाएंगे। ये राइनॉक्स के हैं स्टॉमी वो ग्लव्स, 5000 MRP। नॉक्स के स्लाइडर्स है इसमें, नॉक्स के प्रोटेक्टर्स, और ये सारे कंप्लीट लेदर ग्लव्स है। इसमें ऊपर भी आपको ये प्रोटेक्टर मिलेगा। तो अगर आपको फुल प्रोटेक्शन चाहिए तो आप ये वाले ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं जो कि फुल गॉन्टलेट हैं, थोड़े 4-5 हज़ार की रेंज में आते हैं। बट अगर आपको थोड़ी कम उसमें भी चल जाएगा, कम प्राइस रेंज में, तो आप जैसे ये स्काला के ग्लव्स हैं या ये वाले राइनॉक्स के ग्लव्स हैं जो कि टॉर्नेडो वाले ग्लव्स हैं, ये वाले ग्लव्स आप ले सकते हैं। तो एक बार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक बार आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे, बट ये चलते बहुत है, लॉन्ग लास्टिंग ये वाले ग्लव्स होते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया था मेघालय वाले राइड पर, और मुझे लगा कि ये मुझे ख़रीदना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया था, दिल्ली पहुँचते ही मैंने भैया को बोला था मेरे लिए एक पहले से बुक कर देना ये ग्लव्स। तो बाकी हाथ का प्रोडक्शन हो गया, और हाथ का प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा एल्बो का प्रोडक्शन भी हो गया थ्रू जैकेट। लेकिन अगर जैसे आप राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई भी बंदा तुरंत स्टार्ट करने के बाद राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग ग्लव्स सब कुछ नहीं ले सकता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि आप नी गार्ड और एल्बो गार्ड ले सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अब नी गार्ड। नॉर्मली जब हम नी गार्ड्स देखते हैं या एल्बो गार्ड देखते हैं, तो ये जो है ये वाला पूरा प्रो एक्स है भैया, ये प्रो एक्स, ये हमने बहुत बार ही देखा है, लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, और ये शायद मेरे ख्याल से चीप एंड बेस्ट भी है। चीप एंड बेस्ट, हाँ। बट यहाँ पे क्योंकि आप चाहो तो बहुत सारी वैरायटी है, स्कॉइको है, बी एस डी पी है,
और भी बहुत सारे हैं, तो एक एक करके मैं एक बार ही भैया से बोलता हूँ दिखाने को। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला दिखाना चाहूँगा, इस क्वाइको का। ये कौन सा मॉडल है भैया? ये इस क्वाइको का है K12। बहुत अच्छा मॉडल है, ये बायोनिक है, तो इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज आती है वो लगभग 2000 है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि एज चाइना प्रोडक्ट है ये। तो क्वालिटी अगर आप देखोगे अच्छी है, बहुत ज़्यादा भी प्रीमियम नहीं कहूँगा, बट ये है कि प्राइस रेंज में बहुत अच्छी है, थोड़ा कलरफुल है, इसमें आपको कलर्स भी मिलेंगे। ये नी गार्ड है, ये नी गार्ड है, इसमें सिर्फ नी गार्ड का सेट आएगा। ये जो प्रो एक्स आता है इसमें शायद एल्बो गार्ड भी आता है ना? हाँ, इसमें आपको नी और एल्बो, इसमें दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। और ये कितने का? ये 800 रुपए का है। दोनों? दोनों। हाँ, लेकिन इसमें ये वो मूवमेंट वाला वो चीज नहीं है। हाँ, ये बायोनिक नहीं है। इसके साथ ही देख लो, एक है BSDDP। हाँ, ये 700 रुपए के, जैसे किसी को, कई लोगों को चाहिए होता है, कर टूर एंड ट्रेवल वालों को चाहिए होता है, तो ये BSDDP के, ये 700 रुपए वाले हैं। ठीक है, ये नी और एल्बो, ये भी नी एल्बो का सेट आता है। उसके बाद भी ये BSDDP। हाँ, ये थोड़ा सा उससे बेटर है, ये लगभग 900-950 की रेंज है ये वाली। तो ये वाला, इसमें ऊपर आपको थोड़ा स्टील का स्लाइडर भी आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपको नी और एल्बो का सेट आएगा, ये लगभग वही 900 रुपीस। प्रो एक्स का एक और मॉडल, ये प्रो एक्स का जो वो वाला बेसिक मॉडल है, ये उससे थोड़ा हैवी मॉडल है, ये 1350 रुपए का ये वाला। इसमें भी नी और एल्बो का सेट आएगा। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका नी हो गया और इसमें एक ये वाले आपके एल्बो हो गया। ये थोड़ा उससे बेटर लग रहा है। हाँ, ये उससे बेटर है, उससे थोड़ा हैवी भी है। इसके बाद है मैट बाइक का, थोड़ा कुछ अलग सा ही है ये। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा इसमें पैडिंग हल्की हल्की दे रखी है। अच्छा, हल्का सा प्रीमियम फील है। इसमें सस्ते भी आते हैं, जैसे ये वाला 1600 रुपए का है, तो इसमें से सस्ते भी आप चाहेंगे सस्ते भी आ जाएंगे। मेरे ख्याल से यही है वो, ये जैसे BSDDP का है, ये वही 650-700 वाली रेंज है ये। इसमें जैसे कई लोगों को थोड़े छोटे चाहिए होते हैं, पूरे फुल लेंथ के नी गार्ड नहीं चाहिए होते, तो ये वाली रेंज आ जाती है फिर हमारी। ठीक है, फिर एक ये वाला जो है, ये बहुत ज्यादा बिकता है, ये इसको एको का है, K11 मॉडल। इसमें नी एल्बो का सेट आता है, जो पड़ता है 1350 की रेंज है ये वाली। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, बट ये है कि इस रेंज में 1300 से 1500, मतलब 1000 से 1500 की रेंज में बहुत अच्छा है। ऑनलाइन मैंने इसका प्राइस 2000 भी देखा है, 2000-2500 तक मिलता है ऑनलाइन। फिर उसके बाद अभी ये एग्जॉर ने लॉन्च किए हैं, इसमें एक ये ब्लैक कलर है और इसमें एक आपको ये फ्लोरेसेंट कलर में मिलेगा। ये 1900 MRP है इसकी, ये बायोनिक नी गार्ड है। अच्छा, तो इसमें जैसे एग्जॉर कंपनी का है, इसमें साइज है SM, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब सही है, 1900 रुपए के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आपको बिल्कुल ही प्रीमियम चाहिए तो फिर उसके बाद हमारा ये आ जाता है राइनॉक्स। तो इसकी जो MRP है वो है 3950 CE सर्टिफाइड। इसमें आपको जो मिलेगा, आपको ये मिलेगा बायोनिक, और इसमें ऐसे आप निकाल के, ये राइट का है, जैसे इसमें लिखा भी होता है राइट और लेफ्ट। अच्छा, तो ये आराम से आप निकाल के लगा भी सकते हैं। इसमें 2-3 कलर आपको मिलते हैं, ब्लैक फ्लोरेसेंट, ब्लैक रेड और कंप्लीट फ्लोरेसेंट, ये 3 कलर इसमें मिल जाते हैं। तो ये है हमारे नी गार्ड। नी गार्ड के अलावा हमारे पास पैंट्स मिल जाएंगी, यही सेम कंपनी की, और बहुत सारी कंपनीज हैं, राइडिंग जीन्स भी मिल जाएंगी। तो ग्रेवल 16 की जो आती है और बाइक राती की आती है, थोड़ा 10,000 की रेंज में। तो यही दो कंपनी है जो जीन्स बनाती हैं इस रेंज में 10,000 तक। तो जिस हिसाब से हमने आपको जैकेट्स दिखाया था, उसी का मैचिंग आपको पैंट भी मिल जाएगा, उसमें आपका नी गार्ड भी रहेगा, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हैं। चलो, हमने अपने सर को प्रोटेक्ट कर लिया, हमने अपने बॉडी को किया, हाथ को किया, पैर को किया, तो अब बारी आती है हमारी बूट्स की। तो जैसे बहुत सारे हमारे बूट्स हैं, तो ऐसी जितनी इससे ज़्यादा भी और भी बहुत सारी रेंज है हमारे पास, जैकेट की, बूट्स की, ग्लव्स की, नी गार्ड्स की। तो अभी जैसे बहुत सारे बूट्स लगे हुए हैं, जो काफ़ी सारी वैरायटीज हैं, तो इसमें बेसिक जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी इससे होती है, ओराजो। ये है ओराजो, सबसे ज्यादा चलने वाला, हर दूसरे तीसरे राइडर के पास आपको ये वाला बूट मिल जाएगा। इसमें भी आपको कलर मिल जाएगा, जैसे कोकोआ कलर है, आपको इसमें ब्लैक कलर मिल जाएगा, उसमें भी थ्रेड अलग अलग हैं, ब्लैक, ग्रे, ब्लैक, ऑरेंज। तो इसमें अभी ये वाटर रेजिस्टेंट आता था, अब ये वाटर प्रूफ भी आने लगा। अच्छा, तो हमारे पास दोनों मिल जाएंगे, 4000 शॉर्ट वाले की MRP और 4900 वाटर प्रूफ वाले शॉर्ट वाले की MRP। फिर इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक ये सोलेस के आ जाते हैं। तो ये सोलेस की इसकी जो MRP है 4499। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास राइडा के भी मिल जाएंगे, वो इधर नहीं है, बट राइडा के भी अवेलेबल हैं। राइडा में भी दो मॉडल आते हैं, दोनों हमारे पास अवेलेबल है, 4250, 5650, दोनों हमारे पास साइजेस भी अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे ये सोलेस के आ जाते हैं 4400, अभी ये एग्जॉर ने लॉन्च किए हैं, ये एग्जॉर के नए बूट्स आए हैं, तो ये लगभग वही 7000 के आसपास इनकी MRP, 6000 समथिंग। तो ये बहुत अच्छे बूट्स हैं, ये भी अगर आप देखेंगे इसमें स्लाइडर्स भी दे रखे हैं, इसमें कलर वेरिएशन भी है, और पीछे इसमें TPU प्रोटेक्टर भी इन्होंने दे रखा है, तो ये बूट भी अच्छे हैं। फिर एक ही हमारे लोन रेंजर के आ जाते हैं, ये लोन रेंजर के इनकी 10,000 अराउंड MRP है ना, ये मोहक।
तो इसकी जो MRP है वो है 10,000। तो ये बहुत अच्छे है, इसमें मोहॉक और वॉयेजर दोनों आते हैं। तो ये वाला आई गेस वॉयेजर है, हाँ ये वाला वॉयेजर है। फिर इसमें मोहॉक भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये आते हैं रायो के बूट्स, ये ओनेक्स करके बूट्स आते हैं रायो के, बहुत अच्छे बूट्स हैं। प्रोटेक्शन इसमें आपको पूरी मिलेगी, पीछे TPU का इन्होंने प्रोटेक्शन दे रखी है, आगे स्लाइडर दे रखा है, इसमें वेंटिलेशन भी इन्होंने दे रखी है। तो अगर आप लुक भी देखेंगे, लुक भी बहुत अच्छी है, लगभग 9,000 इसकी MRP है, 9,000 rupees, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। मेरा भी मन है एक बूट लेने का, अपग्रेड करने का, कौन सा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप और भी चॉइसेस देख लीजिए। फिर ये आते हैं हमारे XDI के बूट्स, तो इसमें भी इधर मैश की वेंटिलेशन दे रखी है। तो रफली ये जितने भी बूट्स हैं वाटर रेजिस्टेंट सारे होते हैं, वाटर प्रूफ बहुत कम होते हैं, जैसे ओराजो के वाटर प्रूफ आपको मिलेंगे, आपको जो मेम्ब्रेन मिलेगी राइडा वाले में आपको वाटर प्रूफ की मेम्ब्रेन मिलेगी। तो XDI में ये बेसिक ये जैसे प्रोटेक्टर आपका इधर हो गया, थोड़ा TPU का इधर प्रोटेक्शन हो गई, ये सारी इसकी जो MRP है वो है 8888। सब में आपको वारंटी मिलेगी जितने भी बूट्स हैं, ठीक है। फिर एक BBG के बहुत फेमस, बहुत पहले से BBG के बूट्स आ रहे हैं, बट अभी इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए अपने बूट्स में। तो ये BBG के बूट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फास्ट मूविंग बूट्स हैं, तो स्टाइलिश भी हैं, स्टाइलिश भी हैं, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल वाले को बीच से काट दिया। तो ये भी बहुत अच्छे बूट्स हैं इस प्राइस रेंज में। ये सारे थे शॉर्ट बूट्स, ये सारे थे शॉर्ट। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग की बेसिक रेंज। तो जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं ये हमारे ओराजो, तो ये है हमारे ओराजो 5,000 और अभी 6,500 के अराउंड इसकी MRP है, जो वाटर प्रूफ वाले हैं। तो इसमें भी हमारे पास कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वाले बेसिक रेंज हमारी स्टार्ट होती है। फिर इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये हमारे लगभग 8,000 की रेंज हमारी एक्सोर की आ जाती है, जो भी एक्सोर के नए बूट्स आए हैं। तो ये भी अच्छे बूट्स हैं, जो अभी इनकी रिव्यूज पता लगेंगे जैसे जैसे यूज करेंगे, बिकॉज ये अभी लेटेस्ट लॉन्च है, बट अगर देखने में और अगर फील की बात करें तो अच्छे बूट्स हैं, प्रीमियम है, प्रीमियम है। फिर इसके बाद एक ये आते हैं हमारे सोलेस के, तो इसमें ये क्या किया है इन्होंने, इन्होंने वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन एक लगा रखी है। मैं तब भी इन्हें वाटर रेजिस्टेंट बोलूंगा, बट ब्रीदेबल है और वाटरप्रूफिंग कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे काम करेंगे, क्योंकि इसके रिव्यूज मेरे पास हैं तो लोगों ने बहुत अच्छी इसकी तारीफ करी है। 10,500 MRP है, इनका नाम है XT EVO टूरिंग बूट, ये है सोलेस के, बहुत अच्छे बूट्स हैं, अच्छे बिकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छी सेल है इनकी और इनके रिव्यूज भी अच्छे हैं। एक ये वाले बूट है बहुत ज़बरदस्त, अभी हनी सिंह का जो डिज़ाइनर गाना है उसमें इन्होंने BBG का ही बूट पहना है हनी सिंह ने। तो ये वाली जो इसकी MRP है, इसकी है 10,999, बिल्कुल सेम बूट यही पहना हुआ है। और इसमें लुक तो आप देख ही सकते हो, मतलब ज़बरदस्त लुक है BBG का, ये वाला लुक के ऊपर ही जाता है। बहुत लोग ऐसे जिन्होंने मेरे को स्पेशली बोला कि यही कलर चाहिए, यही वाला डिज़ाइन चाहिए, तो 10,999 इसकी MRP है, बहुत अच्छे बूट्स हैं, कम्फर्टेबल भी हैं। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक्सोर ने काजा करके लॉन्च किया है, एक ये वाले बूट्स हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, इसकी MRP सिर्फ 10,700। अच्छा, डिस्काउंट करके तो आप समझ लो कि 10,000 मान के चलो आप इसे। तो ओवरऑल बूट बहुत अच्छे हैं, हैवी बूट हैं और सेफ्टी भी है, आगे भी आप देख सकते हो इधर इन्होंने स्टील टाइप लगा रखा है, तो आगे तो टो प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छी है। तो ये भी हमारे पास मिल जाएंगे ऑलमोस्ट सारे कलर्स। फिर एक लुक में ये है रायो का T-Rex मॉडल, ये तो ऐसा है कि दिखता है किसी को तो मना ही नहीं करता, वो तुरंत ही ले जाता है। इसकी जो MRP है वो है 12,750। ये आप देखो पीछे से, देखो इसकी इधर से लुक, साइड से आप देखिए, मतलब प्रीमियमनेस तो भरी हुई है इसमें, इतनी ज़बरदस्त लग रहा है। 12,750 MRP है, इसका नाम है T-Rex रायो का, ये है 12,750। अब जो बूट आने वाला है वो बूट है इम्पोर्टेड बूट, और इम्पोर्टेड बूट आप पकड़ लो, इसका वेट नहीं झेल सकता मैं। ये थोड़ा हैवी ड्यूटी है। ये थोड़ा हैवी ड्यूटी है, ये तो मुझे लग रहा है लड़ाई में भी किसी के भी काम आ जाएगा। तो ये है फ्लाई रेसिंग मैवरिक, अभी इन्होंने चेंज किया, ये मैवरिक 2 करके आया है। तो इसमें जैसे अगर लॉकिंग का भी सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉर्मली बूट्स में, जैसे आप लॉक करते हैं तो ये आपको इधर ऐसे लगाना पड़ेगा, फिर आपको ये लॉक करना पड़ेगा। 1 ईयर की वारंटी है, कैसे भी कुछ भी हो जाए इस बूट में, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टोटली कवर्ड है 1 ईयर। इवन किसी किसी सिनेरियो में अगर क्रैश भी अगर आपका होता है और ये बूट फट जाते हैं तो भी ये आपका कवर है बूट। इसकी जो MRP है वो 17,300। अगर मैं वेट की बात करूं तो कम से कम इसमें मुझे लग रहा है 2 किलो तो वेट होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर प्रोटेक्शन आपको, जैसे मैं इससे रायो से कंपेयर करता हूँ तो इसमें इतना साइज का डिफरेंस है, ये साइज का डिफरेंस आएगा इसमें। और ये वही बूट है जिस पर मेरी नज़र है, थोड़ा सा मैं इस पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा और उसके बाद फिर ये बूट शायद मैं इसको
लॉक कर दूंगा क्योंकि मुझे बूट बहुत पसंद आया है। इनफैक्ट टूरिंग के पर्पज़ से ये मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल भी कर रहा है। तो देखते हैं अभी शायद ये राइड पे अब यही वाले बूट्स मैं यूज़ करूँ, बाकी देखते हैं। ये तो हमने अपने पैरों को बचा लिया और हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो गए फ्रॉम हेड टू टो। ये था राइडिंग गियर्स। अब चाहो तो आप गुप्ता बाइकिंग गियर से राइडिंग एक्सेसरीज भी ले सकते हो, चाहे टैंक बैग है, चाहे सैडल बैग है, चाहे टेल बैग है, और भी क्या क्या चीज़ें हैं भैया? तो जैसे आपने टैंक बैग, टेल बैग, सैडल बैग, ये बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा जैसे अभी राइनोक्स की वाटरप्रूफ सॉक्स आती हैं, वो भी हमारे पास मिल जाएंगी। हेलमेट लाइट से लेके प्योटोलिन के क्लीनर, ल्यूब ऑयल, जितनी चीज़ें हैं आपको एक्सेसरीज बाइक की कुछ चाहिए तो सारी एक्सेसरीज हमारे पास मिल जाएंगी। नहीं भी हैं तो अवेलेबल हो जाएंगी। बट ये है कि मेरा जो हमेशा से फंडा रहा है वन स्टॉप शॉप बनाने का, कि बंदा आए और वो ये ना सोचे कि अब इसके लिए मुझे अलग जाना पड़ेगा, उसके लिए अलग जाना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आए प्राइस के, उसमें ये क्वालिटी उसमें हर चीज में, कि बस उसे आए और वो लेके चला जाए। तो राइडिंग गियर्स में कुछ भी आपको चाहिए फ्रॉम हेड टू टो एंड राइडिंग एक्सेसरीज में भी चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट गुप्ता बाइकिंग गियर्स। चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, एनसीआर में रह रहे हो, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। अदरवाइज फिर आप इनको ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट करके अपनी सारे प्रोडक्ट्स डिलीवरी करा सकते हो अपने घर पे। तो आई हाईली रिकमेंड क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे रेट में मिलता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जूता मेरा रह रहा है, ग्लव्स मैं ले जा रहा हूँ, तो जूते का अभी फाइनल करते हैं। और बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कुछ अच्छा कुछ जान के गए होगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। गुप्ता बाइकिंग गियर से कुछ भी आपको लेना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो पर, नए कॉन्टेंट अपनी आने वाली राइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।